नमस्कार, मैं हूं हिमा कनौजी और स्वागत है आपका फरीदाबाद टाइम्स में। फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित हुड्डा कन्वेंशन सेंटर में चल रहे 3 दिवसीय इंडियन टैटू कन्वेंशन का बीते दिन आखिरी दिन था। कन्वेंशन में 57 देशों के टैटू आर्टिस्टों के अलावा भारत देश के कोने कोने से टैटू आर्टिस्टों ने अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन किया। वहीं लोगों ने भी तरह तरह के टैटू बनवाए। देखिए, कन्वेंशन बहुत अच्छा रहा हर बार के मुकाबले। हमारे पास आर्टिस्ट बहुत अच्छे अच्छे आए इस बार सभी जगह से, और इस बार ये था बस थोड़ा सा दिक्कत हुई वो जो पैसों को लेकर हो रही है कि लोग बाग टैटू तो गुदवा लें लेकिन उनके पास पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि 500-1000 के नोट चल नहीं रहे मार्केट में, तो उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है ज़रूर। लेकिन अच्छा रहा कि इस बार काफ़ी लोग आए, सभी आर्टिस्ट इस समय बिजी रहे, यहाँ काम करते रहे 3 दिनों में और पूरा अपना कॉन्टेस्टों में पार्टिसिपेट किया शाम तक, तो ओवरऑल अच्छा था। इधर पे काउंटर लगे और कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंट्री के लोग यहाँ पे आए? इधर तकरीबन 58 काउंटर लगे हुए हैं, 58, और यहाँ पर कजाकिस्तान, UK, फ्रांस, श्रीलंका, सिंगापुर, ऐसी सभी कंट्रियों से लोग आए हुए हैं और इंडिया के कोने कोने से हैं। देखिए, काउंटर सभी आर्टिस्ट एक से एक बढ़कर है, चाहे वो इंडिया के हैं चाहे विदेशी हैं, लेकिन सभी आर्टिस्ट एक से एक बढ़कर हैं। तो तकरीबन वो कोई अच्छा काम कर रहा होता, कोई अलग काम कर रहा होता तो लोग बाग अट्रैक्ट होते हैं। अब देखिए, सामने एक अलग काम कर रहा है आज, तो उस पर लोग, वो फॉरन विदेशी है, इटली से है, तो उसके काउंटर पे आज सुबह से भीड़ है। और लेकिन अभी कुछ इंडियंस जो है, हमारे भारतीय लोग हैं, वो अभी कलाकार काम शुरू करेंगे तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा क्रेज़ और भीड़ बढ़ती जाएगी, क्योंकि अभी तो दुनिया की शुरुआत है। मैं हूँ भरत खत्री और मैं जयपुर से हूँ, और मैं टैटू आर्टिस्ट हूँ। मैं पिछले 4 साल से इसी इंडस्ट्री में हूँ। मैंने मेरी बॉडी पे काफ़ी सारे टैटूज कर रखे हैं जो कि मेरे प्रेजेंट, मेरे पास और मेरे फ्यूचर को प्रेजेंट करती है। जी, मेरे भी मेरे माँ लिखा हुआ मेरे गले से लेके और मेरी नाभि तक, ये 131 लैंग्वेजेस में है। वर्ल्ड में जितनी भी रजिस्टर्ड लैंग्वेज है सब लैंग्वेज मेरे माँ लिखवा रखा है। ये टैटू मेरी मॉम को डेडिकेट था। मैंने ये टैटू करा 2012 में, और मेरी माँ से बहुत खुश हुई थी जब उन्होंने देखा ये सब। और मैं इंडिया का एक पहला इंसान हूँ जिसने मेरी टंग स्प्लिट करवा रखी, मेरी जीप सांप की तरह है। ये मैंने ऑपरेशन करवाया था, मैंने ये अप्रैल 2016 में ही करवाया था नेपाल में, स्पेन के आर्टिस्ट थे उनसे करवाया था। मैं एक स्नेक लवर हूँ, मुझे स्नेक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। टैटूज तो काफ़ी सारे लोग करवा चुके हैं, सर मैं कुछ अलग करूँ बाकी सब लोगों से, इसलिए मैंने अपना टंग स्प्लिट कराने का सोचा ताकि ये बाकी लोगों से बहुत अलग रहेगा। हाँ, ऐसा मैं 20 डेज तक लिक्विड डाइट पे था, मैंने कुछ खाना नहीं खाया था, सिर्फ जूस छाछ और इन सब पे मैं चलता था, सिर्फ 20 डेज लिक्विड पे था। बोलने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, उसके बाद मैंने प्रैक्टिस किया किस तरीके से स्टंट को स्प्लिट करने के बाद प्रैक्टिस करनी चलाने की, और बोलने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी स्टार्टिंग, करीब 2 मिनट तक मैंने प्रॉब्लम फेस करी, पर अब काफ़ी अच्छा है ये। एक बार फिर हमारे दर्शकों को आप अपनी टंग से वो करके दिखाइए, जैसे आपने कहा, जैसे लोगों को ये अचंभा लग रहा है कि आपकी टंग वास्तव में स्नेक की जैसे है। जरूर दिखा दें।